तो अभी ऐसा कुछ नहीं होगा, इन सबको मैंने एक साइड पे रखना है। अभी हम आ गए हैं मार्केट, कि वो थके हुए क्योंकि वो फार्म पे भी गए थे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, कैसे हम सब, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, दुआ है अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक हम सबको सेहत और आफियत वाली जिंदगी अता फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको दुनिया और आखिरत की खैर अता फरमाए। अल्लाह पाक हमारे सारे मामलों में खैर अता फरमाए, आमीन यार। तो यहीं से अपने दिन का आगाज करते हैं, अपने व्लॉग का आगाज करते हैं। बच्चे सारे सो रहे हैं और मैंने उठ के सफाइयां शुरू कर दी है। किचन को मैंने साफ कर लिया, बर्तन वगैरह सारे धो लिए, बस नीचे झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, और ये वाला एरिया भी मैंने साफ कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा ये वाला रूम भी साफ हो गया, बेडशीट्स वगैरह सारी मैंने बिछा दी, मैट हटा लिया मैंने क्योंकि यहाँ पर भी पोछा लगाना है। बाकी इस साइड पे सारा मैंने पोछा लगा लिया। इसके अलावा ये वाली जगह भी साफ हो गई है, और बस क्या है कि जो दीवारें वगैरह है ना, जो दरवाजे हैं उनको साफ करना है, और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह काफी जो है ना सफाई हो गई है। जैसे कि दरवाजे हो गए, दीवारें हो गई ना, खासतौर पर जो दरवाजे होते हैं, हैंडल होते हैं, तो उनको तो मैं हमेशा हल्का फुल्का मारती रहती हूँ, लेकिन फिर भी अभी जैसे रमजान है तो मैं कहती हूँ कि एकदम से ना घर जो है ना साफ सुथरा नजर है। बाकी जो लिविंग रूम है वो भी साफ हो गया। इसके अलावा मुझे क्या करना, मुझे अपनी नमाज वाली सारी चादरें जो है ना वो वॉश करनी, यानी वॉशिंग वाला कुछ काम है, और इसके अलावा थोड़ा बहुत डेकोरेशन का काम है, जैसे कि जो लाइट्स वगैरह जो मैं लेकर आई थी रमजान की वो लगानी है। चलो फिर देखते हैं, आराम आराम से सारा कुछ हो जाएगा, जो भी होगा खैर आप सबके साथ में शेयर करती रहूंगी। और आप सब बताएंगे आप सबकी रमजान की तैयारी, रमजान की सफाई, रमजान की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। मैं तो बड़े जोश और खरोश से कर रही हूँ अपनी सारी तैयारी, और खुश भी बहुत हूँ क्योंकि जाहिर है रमजान की खुशी बहुत होती है। देखते हैं इंशाल्लाह अल्लाह हमारे लिए आसानियां पैदा करे, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम इस रमजान में अपनी तरफ से अपना पूरा 100% दे सकें अल्लाह पाक को। मेरे दिन का, मेरे व्लॉग का आगाज हो चुका है। मैं अपनी चाय लेकर आ गई हूँ यहाँ पर, थोड़ा सा रेस्ट लेने के लिए, काफी अच्छा लग रहा है यहाँ से देख के। आज आसमान तो खाली खाली है लेकिन हवा ठंडी चल रही है, खुशी भी है की रमजान आ रहा है। आज यहाँ पे बैठे, क्या किया आपने, क्यों फेंका ये नीचे आपने? हाँ जी, मतलब कुछ जल्दी से ये खा लो ना, आपका टमी फुल हो जाए, मम्मा काम करे। मतलब जैसे ही उठी है ना तो मैंने इसके कपड़े चेंज करवाए, मैंने इसको ये वाले पहना दिए, वैसे इतनी ठंड है नहीं, लेकिन ये नॉर्मल है, थोड़े लाइट से है क्योंकि सारे इसके कपड़े जो ना अभी वॉशिंग मशीन में चले गए, और अभी जैसे इसके अभी हमने गर्मियों के कपड़े लिए नहीं है ज्यादा, जो है इसके कपड़े वो सर्दियों के ही थे। ये लो, ये थोड़ा लाइट लग रहा था, बस ये मैंने इसे पहना दिया। आ जाओ ये खा लो, अपने नखरे खत्म करो, ये फिनिश करो। हाँ जल्दी से खा लो, शाबाश। आज मैंने अपनी सारी नमाज वाली चादरों को ना मैंने निकाल लिया, मैंने कहा सारी रमजान से पहले ना वॉश कर लेती हूँ। रमजान की जैसे जैसे तैयारियां हो रही हैं, जैसे जैसे क्लीनिंग चल रही है, मैंने कहा एक बार मैं इनको सब को ना मैं वॉश कर देती हूँ। वॉशिंग मशीन में डाल दो, सच मना को छोड़ दो, इसे छोड़ दो, चिंता करना ही करना। अरे यार दूसरा छोड़ दो, इसको छोड़ दो, वॉशिंग मशीन में जाएगी ना, इसको जो पर्दा पर्पल दाग पे पड़ा हुआ वो भी है, हट जाएगा ना, आगे भी आ जाएगी। मना को हटो यहाँ से, मामा स्टैंड को एक साइड पे करो, इधर रुक जाओ बस, मामा को हटो तो सी, मामा को स्टैंड एक साइड पे करने दो, हाँ ऐसे हेल्प कर रही है ना मम्मा की, उसे पता है कि मम्मा ने आज काफी सारे काम करने हैं। हाँ यहाँ आपकी जो नमाज वाली चादरें हैं ना वो भी लेकर आओ, वैसे तो वो वॉश है, एक बार फिर से वॉश कर देते हैं क्योंकि रमजान से पहले हमारी सारी चीजें साफ सुथरी होनी चाहिए। अपनी नमाज वाली चादरें लेकर आओ, नहीं पता, नहीं पता कोई काम तो कर लिया करो, मम्मा भी थोड़ी बहुत हेल्प करवा दिया करो। मामा मुझे पता ही नहीं है तो मैं क्या करूँ। मतलब आपको कभी हम छोटा सा अबाया लेंगे, हम नमाज वाली चादर लेंगे, ठीक है? चलो चले, चलो दूसरे काम करें, चलो 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 शाबाश। चलो अभी से ना खेलना है, कपड़ों के साथ ही से जाना नहीं है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, जाओ गिराने नहीं है अपने कपड़े, फिर आज वो मलाको मम्मा जा रही है। भाग कैसे रही है मम्मा से, मलाक आजो आजो आजो, जल्दी से आजो मम्मा के पास, बस जल्दी से इसको पकड़ के लेकर आओ, जल्दी से पकड़ के इस छोटे से बच्चे को, शरारती बच्चे को लेकर आओ। अब देखो फिर से वापस जा रहे उसी साइड पे, ओए रैबिट आ जाओ जल्दी से, आ जाओ जल्दी से आ जाओ, वो रैबिट जैसे दांत भी, दांत भी रैबिट के जैसे हैं इसके, आ जाओ रैबिट। हाँ ने तो पूरा मलाक को रैबिट बना दिया, मलाक की पोनिया जो है वो एयर बन गए हैं, टीथ मलाक के वो भी रैबिट के टीथ हैं।
मलाक ये बच्चा खुश कितना है, छोटा सा मम्मा का बच्चा। मलाक भैया के साथ खुश हो? मलाक बहुत खुश है, देखो बात भी नहीं कर रही, इतनी खुश है ये। सुकून से बैठी कैसे? मुसा आराम से, आराम से उसके उसके बाजू टाइट पकड़ो। चलो छोड़ दो, अब छोड़ दो इसको, आ जाओ आ जाओ मलाको, आ जाओ आ जाओ। नहीं आना उसने, मुसो नीचे नहीं उतरना उसने। नहीं उतरना चाहती। चलो बाय बाय, टाइम आ चुका है, बाय 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 बाय। हेलो हेलो, आपसे मिलने आ गई है मोबाइल के चक्कर में। आराम से आराम से। हेलो का हेलो मलाको, हेलो अब्बू को सलाम नहीं किया आपने, मोबाइल लेकर आ गया। ये निकालो, ये मुंह से, ये अब्बू बुला रहे हैं, अब्बू बुला रहे हैं। ये मोबाइल है, मोबाइल बस वो खुश हो गया मोबाइल लेके आपका। जाओ वो वाला लेकर आओ मोबाइल, जाओ ये लो, जाओ लेकर आओ, जाओ। आ रही आ रही, मोबाइल के चक्कर में आ गई है फिर से। अस्सलाम वालेकुम, हाथ से मिलाओ। अच्छा ये ले, ये ले, ये ले। चाचू अभी आए, उन्होंने नाश्ता नहीं किया था तो यहाँ पर मैंने उनके लिए खाना बना दिया है। मुस्फा जाके बुला के लेकर अब्बू को, अब्बू को बुलाओ, जाओ। खाना खाने के बाद अभी मैंने चाय बना दी है सबके लिए, कुछ नहीं है बस टेबल ये साफ करने, ये खड़ी है ये कुछ ना कुछ करे। ये आपने आगे लगने के मलाकी मम्मा को उठा के दो, जाओ आप ही को देकर आओ, आप ही को। हाँ जी जाओ। अभी हम जा रहे हैं रमजान की ग्रोसरी के लिए, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला रमजान की ग्रोसरी के लिए हमें। ग्रोसरी के अलावा और भी कुछ चीजें हैं वो भी लेनी है मुझे, इसके अलावा बच्चों का भी थोड़ा बहुत सामान है वो भी रह गया था रमजान से रिलेटेड। पर अभी मैं काफी टाइम से यही, इसलिए मैं जल्दी उठ के मैं अपने सारे काम जो घर की सफाई वगैरह करने में लगी हुई थी कि ये मेरे सारे काम खत्म हो जाएंगे। जब भी हम मार्केट में जाते हैं ना तो क्या होता है वहाँ पर के ऊपर ऊपर नीचे बंदा हो ही जाता है, लेट हो जाता है, कभी ये चीज़ यहाँ से नहीं मिल रही तो ये वहाँ पर लेने चले जाते हैं, वहाँ से नहीं मिल रही तो यहाँ पर लेने चले आ जाते हैं, तो इस तरह से। इसलिए फिर मैंने कहा कि मेरे घर के काम ख़त्म होंगे ना तो मार्केट के जो भी होंगे तो फिर इंशाल्लाह वो आराम से मैं वहाँ से सुकून से कर सकती हूँ। तो खैर अभी चलते हैं मार्केट और फिर वहाँ पर जाकर देखती हूँ कि और इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो भी जितने भी आना, तकरीबन कोई 3-4 काम थे पेंडिंग में, और कोशिश यही होगी कि आज जो है ना वो सारे हो जाएँ, क्योंकि कल तो फिर रोज़ है और टाइम बिल्कुल भी नहीं है, तो जो 2-3 काम हैं तो उनको इंशाल्लाह मैं फ़ाइनल करके आऊँगी। मस्जिद कुबा देखी कितनी खूबसूरत लग रही है। अभी हम आ गए हैं मार्केट, तो यहाँ से जहाँ से पहले मैंने रमजान के बर्तन देखे थे ना वहीं अभी हम आ गए हैं, वहीं से देखे हैं रमजान के बर्तन, क्योंकि मैंने एक दो और जगह पर देखे तो मुझे वो वाले जो है ना वो पसंद नहीं है थे। यहाँ पर जो मैंने देखे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, एक तो इनके कलर जो है ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और खूबसूरत है, और दूसरा ये कि बिल्कुल जिस तरह से रमज़ान के लाइट्स के कलर होते हैं ना उससे ना मिलते जुलते हैं, उससे और ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, अट्रैक्टिव लगते हैं। बस फिर अभी यहाँ से लेते हैं अपनी ट्रॉली और सीधा ये सामने वाली ये मार्केट है जहाँ पर मैंने देखे थे, तो यहीं से जाके पहले पहले लेते हैं बर्तन, फिर उसके बाद जो है ना बाकी के जो काम है वो करेंगे। पहला पहला जो मैंने कहा आज काम है ना वो हम बर्तनों वाला ही करेंगे, और अल्लाह करे कि हों, मैं दुआ कर रही हूँ कि हों, ये ना हो कि मैं जाऊँ और फिर ना हो। नहीं है बर्तन देख लें अब ना, बस आप खुश हो जाए ठीक है, अभी आपके चक्कर में ना बस ये सिर्फ गिलास पड़े यहाँ पर, ना जग है ना डिश है कुछ भी नहीं है, मुझे बताएं क्या करें हम, कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। भाग के मैं यहाँ पर आई हूँ कि जाके मैं जल्दी जल्दी से ना यहाँ से बर्तन उठा लूँ। अब इन गिलासों को क्या करना है हमने, पूछे उनसे कि और हैं, जाहिर है आज लास्ट डे है तो आज तो नहीं मिलने वाले हैं।
बर्तन तो नहीं मिले। दिल मेरा इतना वो अजीब सा हो रहा है ना कि अभी बर्तन नहीं मिले, लेकिन अभी हम आ गए ग्रोसरी वाली साइड पे, तो यहाँ से अभी ये देखिए मैंने शॉपर पकड़ा हुआ है, अभी तक समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या डालूँ। माशाल्लाह ये देखें अलकारात मॉल में किस तरह से इन्होंने डेकोरेशन की हुई है रमज़ान करीम की, ये देखें ले लें वाला प्यारा है ना रमज़ान के लिए। माशाल्लाह बास्केट यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है रमज़ान करीम की, बहुत प्यारी है। ये देखें ये कितनी खूबसूरत है ना। ये वाला जूता ट्राई करे थे बिल्कुल, देखिए जैसे पाकिस्तान में होते हैं ना उस टाइप के यहाँ पर आए हैं, बहुत खूबसूरत है ये, लेकिन ये है एक्सपेंसिव तो इसलिए बस मैंने ट्राई किया, मैंने देखा है ले नहीं गया, इसलिए ये वाला भी मैं देख लेती हूँ। ये ज़्यादा प्यारा लग रहा है पिंक से। रमज़ान करीम की खुशी में देखें अलकारात मॉल को इतना खूबसूरत सजाया हुआ है इन्होंने। अभी मैं और मुस्तफ़ा जा रहे हैं बैग पे, हस्बैंड ने कहा कि वो थके हुए हैं क्योंकि वो फार्म पे भी गए थे, तो इसलिए फिर वो घर पे बैठ गए मार्केट का काम ख़त्म करके जैसे ही हम आए, तो चाचू आए हुए हैं अभी, फिर मैंने कहा कि जाके ब्लूज लेकर आते हैं बैग से। मैं अभी साथ में मुस्तफ़ा को लेकर जा रही हूँ, मैं और मुस्तफ़ा जाके मैं गाड़ी में बैठूँगी क्योंकि मैं थकी हुई हूँ और मेरा लाभ जाके ले आएगा। ठीक है तो दफ्तर खान पे इसमें बैठना है ना, ये लो आप, ये लो खाने आपने खाने, चलो ये भी ले लो। ये मलाक का बैठने का तरीका देखो कैसे बन ठन के बैठी हुई है। खाना खाने के बाद तमन्ना भी हम सबके लिए चाय बना के लेकर आ गई है। मलाको चाय पीनी है आपने, छोटे बच्चे चाय नहीं पीते, मलाको ने चाय पीनी है, मैट सीधा कर दो तमन्ना। हाँ जी नहीं अभी ना, मुझे ये सारी नमाज वाली चादरें जो मैंने धोई है ना इन सबको मैंने प्रेस करना है, सबको प्रेस करके इनकी एक जगह बनानी है, जैसे मेरे कबर्ड में कभी कहाँ पर होती हैं कभी कहाँ पर होती हैं, ये ऐसा कुछ नहीं होगा, इन सबको मैंने एक साइड पर रखना है। जैसे मैं इनकी सेटिंग करती हूँ ना तो फिर आप सबको दिखाती हूँ कि मैं किस तरह सोच रही हूँ। फिलहाल पहले इनको प्रेस करते हैं क्योंकि प्रेस करने में भी काफ़ी टाइम ले जाएंगे, ये काफ़ी सारी हैं। चलिए ये सारी मैंने स्टैंड से निकाले, इसके अलावा बेडशीट मैंने निकाली तमन्ना की, और ये मैंने कहा न्यू बेडशीट ये भी बिछा दूँ मैं। बेडशीट जब भी मैं वॉश करती हूँ ना मुझे पता नहीं चलता, उधर की इधर आ जाते हैं, इधर की उधर जाते हैं, इधर की उधर चली जाती हैं। अब हानिया ही मैंने उस रूम में बिछा दिया, मुस्तफ़ा के अब इस रूम में आगे चले, खैर कोई बात नहीं।